हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर दम बिरयानी। सबसे पहले बासमती राइस को हम 10 मिनट पहले भिगो देंगे और अब ये भीग गया है। अब हम इसको खुले हुए बर्तन में पका लेंगे। जिस तरह से माड़ वाला चावल बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बनाएंगे और इसको हम सिर्फ 75% ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो अब हम एक पैन में तेल डालेंगे, इसको गरम करेंगे और इसमें छोटी पीस में कटा हुआ पनीर को फ्राई कर लेंगे। और देखिए चावल भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम एक छलनी में निकाल लेंगे। चावल हमारा अभी कच्चा है थोड़ा, लेकिन हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। और अब हमने पनीर डाल दिया है। पनीर जिस तरह से हम मटर पनीर का पनीर फ्राई करते हैं उसी तरह से हम इसका पनीर भी फ्राई कर लेंगे। और जो तेल बचेगा उसको हम बिरयानी बनाने में ही यूज़ करेंगे। देखिए पनीर को मैंने निकाल लिया है और अब इस तेल में मैंने डाल दिया है लंबा कटा हुआ प्याज। इसको हम भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च। प्याज जल्दी फ्राई हो जाए इसलिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। देखिए पनीर का कलर कितना अच्छा आया है, नमक भी मैंने डाल दिया, इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगा। और देखिए चावल हमारा बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने एक छलनी में निकाल लिया था, प्याज फ्राई हो गया। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इस तेल को हम अब दूसरे बर्तन में यानी कि दूसरे पैन में डाल देंगे। और इसको ये गर्म है, इसमें अब हम डालेंगे साबुत मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा, सभी मसाले इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास बचा हुआ चावल है रात का या फिर सुबह का, कोई नहीं खा रहा है, तो आप इस तरह से बिरयानी बना लीजिए और उसको खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं और बिल्कुल सिंपल भी लगती है और अलग टेस्ट भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसकी कंप्लीट रेसिपी देखिए, पूरा वीडियो देखिए इसका, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इसको बनाने का भी मन करेगा। देखिए मैंने साबुत मसाला डाल दिया। अब हम इसमें फिर से कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास बिरयानी मसाला या फिर फ्राइड राइस मसाला है तो आप वो डाल सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैंने कटा हुआ प्याज डाल दिया है और इसको हम हल्का भून लेंगे। और देखिए प्याज हमारा भुन गया है। और अब हमने एक तवा लिया है, तवे को हम अच्छे से गर्म करेंगे, उसके ऊपर अब इस पैन को रख देंगे। क्योंकि याद रहे डायरेक्ट पैन को हम गैस पर रखकर नहीं पकाएंगे चावल को। अब हमने एक लेयर प्याज की ली है, अब दूसरी लेयर हम लेके फिर से चावल की। आपको चावल जो कच्चा है उसको उस चावल को हम तवे के ऊपर रखकर ही पकाएंगे। और अब मैंने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके ऊपर से मैंने फिर से चावल की एक लेयर लगा दी है और अब एक लेयर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया की लगाएंगे। तवे के ऊपर से के ऊपर रखकर हम चावल को पकाएंगे तो भी चावल हमारा बिल्कुल खिला खिला और बिल्कुल अलग बनेगा। देखिए एक लेयर मैंने चावल की फिर से लगाई थी, फिर से एक लेयर मैंने हरी मटर की लगाई है, उबाली थी मैंने हरी मटर, और फिर से हमने इसके ऊपर चावल डाला है। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे फ्राई किया हुआ प्याज और हरी मिर्च। फिर से एक लेयर हम चावल की लगाएंगे। इसी तरह से हम लेयर बाय लेयर चावल को पकाएंगे। चावल बहुत ही अच्छा से पकेगा। और अगर आपको इसमें रंग भी डालना है खाने वाला, तो आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला रंग भी डाल सकते हैं। और अब हमने डाल दिया है इसमें फ्राई किया हुआ पनीर। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक याद रहे नमक हमने पहले भी ऐड किया है, तो नमक अब हम इसमें थोड़ा ही डालेंगे। और मेरे पास बिरयानी मसाला था तो मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। अगर आपके पास बिरयानी मसाला या सेजवान फ्राइड राइस मसाला नहीं है तो आप मैगी मसाला डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नींबू। नींबू से भी चावल का कलर नहीं जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब हम इसको अच्छे से पूरा कवर कर देंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े से कवर कर दें ढक्कन को, या फिर गीले आटे से पूरा कवर कर दें। याद रहे हमें इसको भाप में ही पकाना है सिर्फ 5। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए चावल हमारा बिल्कुल एक एक खिला हुआ और बिल्कुल अलग बना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिरयानी बनकर तैयार है। इसको आप रायता के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। और इस तरह से आप कभी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।